देखिए, इस यूपीएससी की इस लंबी दौड़ के अंदर हमें कहीं बार मोटिवेशन की नीड रहती है, कहीं बार हमें एंटरटेनमेंट की नीड रहती है। अगर हम हमारे एंटरटेनमेंट के टाइम को किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ से हमें कुछ नया सीखने को मिले, तो वो एंटरटेनमेंट भी हमारी तैयारी के लिए ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में जानकारी दूंगा जिन मूवीज़ को देखने के बाद में आप समाज के एक नए आईने को देख पाएंगे, आप समाज को एक बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ भी ऐसे मूवी नहीं दिखाने वाला जिसके अंदर एक अलग ही तरीके का क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा। ये मूवीज़ काफ़ी धीमी गति से चलेगी, सोशल इश्यू को उठाते हुए समाज के एक नए आईने को आपको दिखाएगी। तो चलते हैं एक एक करके मूवीज़ को देखते हैं। पहले नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है पिंक। आप इस मूवी को डेफिनेटली देखिएगा। अमिताभ बच्चन के लेजेंडरी एक्टिंग के साथ में ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, साथ में आपको तापसी पन्नू जैसी बेहतरीन अदाकारा भी देखने को मिल जाएगी। ये मूवी एक लड़की, तीन लड़कियां जो कि समाज से हटकर रहती हैं, उनके ऊपर समाज के हिसाब से एलिगेशन लगाता है, समाज के हिसाब से उनको देखता है, और लास्ट में एक आपको शानदार डायलॉग नो मीन्स नो होता है। नो एक वर्ड नहीं, नो एक पूरा सेंटेंस है। इस हिसाब से आपको काफ़ी शानदार तरीके से मूवी देखने को मिलेगी। वुमेंस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन मूवी अभी तक बॉलीवुड में नहीं बनी है। इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, ये आपको यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में जो मूवी है वो है सेक्शन 375। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस सेक्शन का नाम डेफिनेटली द हिंदू के अंदर पढ़ा होगा, जो कि रेप के रिगार्डिंग होता है। देखिए, इस मूवी को देखते वक्त आपको कहीं बार लगेगा कि ये मूवी किसी अलग डायरेक्शन में जा रही है, पर जैसे ये मूवी ख़त्म होगी ना, तब आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। इसका क्लाइमेक्स सबसे हटकर मुझे देखने को मिला है, किस हिसाब से एक रेप विक्टिम एक व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करती है, और ये पूरा जो मूवी है पूरी कोर्ट के अंदर ही चलती है। मैंने जो पिंक मूवी दिखाई थी वो भी पूरे कोर्ट के अंदर चलती है, ये जो थर्ड मूवी है ये भी आपको कोर्ट के अंदर चलती हुई दिखाई देगी, जो कि आपको तरीके से इंडियन जुडिशरी के बारे में भी जानकारी पेश करती हुई दिखेगी। इस मूवी को आप डेफिनेटली देखिएगा। इसके बाद में जो मूवी है उसका नाम है जय भीम। जय भीम मूवी लास्ट ईयर 2021 में आई थी, आई थिंक अक्टूबर 2021 में। काफ़ी लोगों ने देख रखी होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। इस मूवी को आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक शेड्यूल ट्राइब के साथ में किस हिसाब से अपर कास्ट गलत काम करती हैं, किस हिसाब से उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, और आपने नीलगिरी हिल्स के बारे में डेफिनेटली आप सुनते होंगे इन्वायरमेंट साइंस के अंदर, जहाँ पे आपको बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में देखने को मिलता है, और एलोरा ट्राइब्स के बारे में आपने इस बार काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। द हिंदू में इस बार काफ़ी ज़्यादा जिक्र भी हुआ था, क्योंकि एलोरा ट्राइब्स के बारे में इस मूवी के अंदर भी जिक्र देखने को मिलता है। इस मूवी को देखेंगे तो आपको एलोरा ट्राइब के बारे में सीखने को मिलेगा, साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। आई थिंक एलोरा है या एलोरा, मैं परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। मैंने आपको तीन मूवियाँ दिखाई है, पिंक, जय भीम और सेक्शन 375। मैं आपको अभी जो मूवी दिखाने वाला हूँ बहुत पुरानी मूवी है, बहुत पुरानी नहीं मतलब 2017 के आसपास की है, न्यूटन। न्यूटन मूवी को आप देखिएगा, इसके अंदर आपको राजकुमार राव की अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी, और किस हिसाब से एक नक्सलवादी एरिया के अंदर वोटिंग की वैल्यू है वो आपको सीखने को मिलेगी। आप इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर नक्सलिज्म और टेररिज्म को जरूर पढ़ते हैं, नक्सलिज्म किस हिसाब से हैं, किस हिसाब से इसकी जड़ें हैं, क्या इसकी वजह हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं। इस मूवी को देखेंगे तो आप नक्सलिज्म को काफ़ी तरीके से समझ भी पाएंगे, साथ साथ में उनके इश्यू को भी आप समझ पाएंगे। सो आप इस मूवी को देख सकते हैं। आपको नक्सलिज्म के रिगार्डिंग एक दूसरी मूवी दिखाता हूँ, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह मूवी आप देखिएगा, इसके अंदर आपको मनोज वाजपेयी की अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपके बहुत सारे लेजेंडरी एक्टिंग देखने एक्टर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर देखने को मिल जाएंगे। एक नक्सलवादी एरिया के अंदर किस हिसाब से लाल सलाम, किस हिसाब से इसकी शुरुआत होती है, किस हिसाब से कार्ल मार्क्स के व्यू को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को इस मूवी के अंदर रखा जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा। इस मूवी को भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको वुमेंस पर्सपेक्टिव से आपको दो मूवियाँ दिखाई, एक आपको ट्राइब के रिगार्डिंग दिखाई, और दो मूवीज़ मैंने आपको नक्सलिज्म के रिगार्डिंग दिखाई। एक मूवी जो कि आपने जिसका नाम आपने सुना होगा, आर्टिकल 15, ये मूवी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिजर्वेशन के रिगार्डिंग किस हिसाब से हमारे देश के अंदर इसकी ज़रूरत है, रिजर्वेशन को आए हुए इतने साल हो गए, उसके बाद भी कितना चेंज आया, कितना चेंज नहीं आया, वो आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और नए मुद्दों पे हमेशा मूवी बनाने वाले आयुष्मान खुराना के आपको इसके अंदर एक्टिंग देखने को मिल जाएगी।
मैंने आपको अभी तक बहुत सारे नए सोशल आयाम के ऊपर बनी हुई मूवियों को दिखाया, मैं आपको आगे भी कुछ मूवी को दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को शानदार तरीके से किसी फैकल्टी के साथ में जुड़कर करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा यूपीएससी वाला पीडब्ल्यू की ही एक कोचिंग है, इनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को शानदार कर सकते हैं। इनके अभी यूपीएससी 2024 को लेकर संकल्प 4.0 बैच लॉन्च हो चुके हैं, जिनको ये आपको स्टार्टिंग से बिगनिंग से यूपीएससी की तैयारी को करवाएंगे, जिसके अंदर आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, साथ में आपको ऑप्शनल के कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे। यूपीएससी वाला रेकमेंड करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसकी फीस। ये आपको करीब 9,999 के अंदर कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी करवाएंगे। आप इस फीस को भी कम कर सकते हैं अगर आप मेरा कोड aspirant10 यूज़ करते हैं तो। आप ध्यान से सुनिएगा जानकारी को। देखिए वैसे इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, अगर आप मेरा कोड aspirant10 यूज़ करते हैं तो आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मेरी तरफ से देखने को मिल जाएगा। देखिए 2,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है और ये डिस्काउंट काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए है। हो सकता है कि आपको 5-7 दिन के बाद में ये ऑफर देखने को नहीं मिले, जब तक ये ऑफर है तब तक जाके आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा और अभी कभी आप इसको परचेज कर लीजिएगा, आपको एक अच्छा फायदा देखने को मिल जाएगा और ये डिस्काउंट आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर देखने को भी नहीं मिलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, aspirant10 लगाएगा आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूपीएससी के नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ देखने को मिल जाएगी। उड़ान सीरीज़ के आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि ओनली आईएएस के हैं, और यहाँ पे आपको ऑल इंडिया लेवल पे मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए। सो नाउ हम फिर से वीडियो के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं एंड आगे हम जो मूवी देखेंगे शायद हो सकता है कि आपने पहले देख रखी हो सकता है कि आपने नहीं देख रखी हो, पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक मूवी है जिसका नाम है विक्रमादित्य मूवी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको एक अलग तरीके का मोटिवेशन देके, किस हिसाब से एक लास्ट में जाके एक क्लाइमेक्स के अंदर एक व्यक्ति आईपीएस बन जाता है उसकी ज़िंदगी है, इस मूवी को देखते वक्त आपको बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा। इसको आप जरूर देखिएगा, यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपको नया सिखाने के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। इसके बाद में आप मूवी देख सकते हैं आरक्षण मूवी, जो मैंने आपको एक मूवी दिखाई थी ना भाई रिजर्वेशन को लेकर, आर्टिकल 15 को लेकर, उसी प्रकार ये आरक्षण मूवी आप देख सकते हैं ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर, किस हिसाब से ओबीसी को जब रिजर्वेशन मिलता है उस समय कितना इसका विरोध होता है और किस हिसाब से एक पॉलिटिकल ड्रामा दिखाया जाता है उसके ऊपर बनी हुई मूवी है। इसके साथ में इंडियन एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा तमाशा मारती है मूवी, इसको आप देख सकते हैं। इसके साथ में एक मूवी है जिसका नाम है यशोदा, ये मूवी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है, अभी की मूवी है, ज़्यादा पुरानी मूवी नहीं है, शायद आई थिंक लास्ट ईयर रिलीज हुई थी 2022 के अंदर। इस मूवी के अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर स्टेम सेल के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल के अंदर किस हिसाब से स्टेम सेल की नीड है आज के टाइम में, उसके ऊपर बनी हुई मूवी है। वैसे इसको काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिकल रूप से पेश किया गया है, बट हाँ स्टेम सेल को आप एक नए तरीके से समझ सकते हैं। बाकी इस मूवी को देखते वक्त आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, अच्छी मूवी है, इसको आप देख सकते हैं। सो हमने इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी मूवीज़ के बारे में जानकारी ली है, इसके साथ में भी बहुत सारे मूवीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग नीचे कमेंट करेंगे शादी में जरूर आना मूवी का तो नाम आपने लिया ही नहीं, जो कि यूपीएससी के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। देखिए शादी में जरूर आना मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि रियलिज्म को पेश नहीं करती है, इतना ईजी नहीं होता है आईएएस बनना, कि दिल टूटने के बाद अगर आईएएस बनती तो शायद हर गली के अंदर एक आशिक होता और हर आशिक एक आईएएस होता, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको वही मूवी दिखाता हूँ जो कि सोशल इश्यू को टैकल करती है। मैंने आपको काफ़ी मूवीज़ के बारे में जानकारी दी, इसके साथ में मैं आपको कुछ एक नाम जिक्र करता हूँ, आप इनको देख सकते हैं, अच्छी मूवीज़ हैं जिनके अंदर आप नील भट्ट सन्नाटा को देख सकते हैं। इसके साथ में आप परीक्षा मूवी को देख सकते हैं जो कि G5 के ऊपर एक बार आई थी। इसके साथ में आप 3 इडियट को देख सकते हैं जो कि पुरानी मूवी है, इंडियन एजुकेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा तमाशा मारती हैं। इसके साथ में आप छिछोरे मूवी को देख सकते हैं जो कि लेजेंडरी एक्टर SSR सुशांत सिंह राजपूत की अच्छी एक्टिंग के साथ में मूवी देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ में आपको बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो कि आपको मेरे पुराने वीडियोज़ के अंदर देखने को मिलती हैं, उनको आप एक बार देख सकते हैं। सो मैंने आपको लगभग काफ़ी अच्छी मूवीज़ के बारे में जानकारी दी है, अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, और बाकी आपकी क्या मनोदशा है एक बार कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्ट कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे से डायरेक्ट मिल सकते हैं। इसके साथ में इंस्टाग्राम के साथ में आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको यूपीएससी के टॉपर्स के सारे नोट्स, यूपीएससी के सारे पीडीएफ्स सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे लोग पेड़ में बेचते हैं हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो जाइए और विजिट कीजिए, मिलते हैं तब तक के लिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते हुए रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।